गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ मास और वेट. सो व्हेन वी आर टेकिंग और व्हेन वी आर मेजरिंग मास और वेट ऑफ एनीथिंग और अ पर्सन, वी मेजर हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज. हम मेजरमेंट ऑफ मास या वेट में कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन कितना भारी है, कितना हैवी है, उसका मेजरमेंट करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, वेट इज मेजर्ड इन मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. सो दीज आर फ्यू यूनिट्स इन विच वी मेजर वेट और मास, मिलीग्राम्स, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. सो थिंग्स लाइक राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, शुगर आर वेट इन किलोग्राम्स, हैवी थिंग्स लाइक. ओके, वाइल आइटम्स लाइक गोल्ड, टूथपेस्ट, बिस्किट्स आर वेट इन ग्राम्स. सो ग्राम इज फॉर लाइटर वेटेड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एंड किलोग्राम्स फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. ओके, देन द स्टैंडर्ड यूनिट, एवरी मेजरमेंट हैज स्टैंडर्ड यूनिट. हर मेजरमेंट का कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट होता है. सो हियर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मास इज ग्राम एंड किलोग्राम. ओके, एंड चिल्ड्रन, दिस यू शुड नो दैट 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम्स. वी यूज द सिंबल स्मॉल के एंड स्मॉल जी फॉर किलोग्राम एंड स्मॉल जी फॉर ग्राम्स. ओके, सो 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम्स. दिस इज द स्पेशल नोट यू हैव टू लर्न व्हाइल डूइंग मेजरमेंट ऑफ मास और वेट. ओके, सो चिल्ड्रन, 1 किलोग्राम एज यू नो हैज 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे सो क्या हो जाएगा, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम. एज यू नो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 1000 को अगर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 500 ग्राम्स. यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने 500 ग्राम्स हैं, 2 500 ग्राम्स है. सो इट विल बी 2 500 ग्राम्स. ओके, सो 1 kg हैज 2 500 ग्राम्स. सिमिलरली 1 kg इज इक्वल टू 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम्स एंड प्लस 200 ग्राम्स. अगर आप 1 kg को 200 ग्राम के फॉर्म में लिखेंगे, 200 ग्राम्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कितने टाइम्स ऐड करेंगे 200 ग्राम्स को, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5. ठीक है, अगर आप 200 ग्राम्स को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपको 1 किलोग्राम मिल जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स. आपको एज यू नो दैट 1 kg हैज हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम्स. ओके, इफ यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 200 ग्राम्स, सो यू विल बी मल्टीप्लाइंग 200 ग्राम्स विद 5. ठीक है, आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 ग्राम्स को हमने कितनी बार ऐड किया है, 5 टाइम्स. सो हियर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू विल बी मल्टीप्लाइंग 200 ग्राम्स 5 टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट 1 kg. ठीक है, 1 kg में 5 200 ग्राम्स होते हैं, जैसा कि अभी आपने कैलकुलेट किया. ओके, लेट्स टेक अप वन मोर एग्जाम्पल. इफ यू हैव टू मैंशन 1 kg इन द फॉर्म ऑफ 100 ग्राम्स, सो इट विल बी 100 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स प्लस 100 ग्राम्स टिल 10 टाइम्स. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 kg इज इक्वल टू 10 × 100 ग्राम्स. हम अगर 100 ग्राम्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 1000 ग्राम्स मिलेगा. एंड एज यू नो दैट 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 kg. ठीक है, हमने 100 ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1000 ग्राम मिलेगा, और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg.
So it can be written as 1 kg is equal to 1000 grams. Okay children, let's come to the conversions where we learn how to convert kilograms and grams into grams and grams into kilograms. So first we learn to convert kilograms into grams. Children, this is very similar to the conversions that you learn in measurement of length. So to convert kg, that is kilograms, into grams, just put 3 zeros to the right of the number of kg. अगर कन्वर्जन में सिर्फ kg दिया हुआ है तो आपको क्या याद रखना है, आपको नंबर के राइट साइड में सिर्फ 3 जीरोज लगा देना है तो आपको नंबर ऑफ ग्राम्स मिल जाएगा. ये आप उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जहाँ पर सिर्फ kg दिया हो. ओके, ओनली kg विल बी गिवन. ओके, देयर विल बी डिफरेंट कन्वर्जन इफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स आर गिवन टुगेदर. ठीक है, लेट्स टेक अप एग्जाम्पल 4 kg, like you have to convert 4 kg into grams. So you've just learned, you need to put 3 zeros to the right of the number, given number of kg. यहाँ पे कितने kg दिया हुआ है, 4, और आपको पता है कि हमें 4 के right side में 3 zeros लगा देने हैं. यहाँ पे here 4 is given, so write 4 and put 3 zeros to the right of it and mention the unit. That will be grams. Do not forget to mention the units whenever you are mentioning any kind of measurement, be it length, mass or capacity. Or in other words, you have to multiply 4 kg by, here you have to just cut it down, 4 into 1000 grams. Okay? Or if you have to do it in the shortcut method, just put 3 zeros to the right of the given number of kg. आपको बस जो kg में number दिया हुआ है उसके right side में 3 zeros लगाने हैं. ये shortcut method हो गया. या फिर आप given number को या given number of kg को 1000 से multiply करेंगे. इसका भी multiplication same होगा. किसी भी zero वाले numbers को अगर आप multiply करते हैं तो number of zero count करके उसके right side में लगा देते हैं. ठीक है, सिमिलरली हियर 8 kg इज गिवन, सो आपको जस्ट राइट साइड में 3 जीरोज लगाने हैं. सो राइट द नंबर 8 एंड पुट 3 जीरोज टू द राइट ऑफ द नंबर एंड मेंशन द यूनिट बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स. ओके, सिमिलरली व्हाट यू विल डू इफ both of the units are given together, like kg and grams. So when kilograms and grams both are given, first convert kilograms into grams, then add the extra grams to it. Okay, jab grams aur kilograms dono conversion में दिया हो तो आपको क्या करना है, पहले आप किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करेंगे और जो एक्स्ट्रा ग्राम्स दिए हुए हैं आप बाद में उसको ऐड कर देंगे आंसर में. जैसे कि आप मेजरमेंट ऑफ लेंथ में कन्वर्जन कर रहे थे किलोमीटर्स एंड मीटर्स में, वैसे ही कन्वर्जन आपको यहाँ पे भी करना है. सो पहले आप क्या करेंगे, kg का कन्वर्जन करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ ग्राम्स जो दिया हुआ है उसमें आप ऐड कर देंगे. सो फर्स्ट कन्वर्ट किलोग्राम्स इंटू ग्राम्स and as you know that 6 kg will be 6 and 3 zeros at the right side and the unit. 6 kg will be 600 grams plus ab extra gram kitna hua hai, 10 gram. So 6000 mein aapko 10 gram add karna hai. So it will be 6010 grams. Okay? So you have to add, first convert kg into grams, then add the extra given grams to it. ठीक है, हमने पहले kg जो number दिया हुआ था उसका conversion हमने grams में किया, फिर उसमें जो extra grams दिए हुए हैं उसमें उसको add कर दिया. ठीक है,
Let's do one more question. 4 kg, 8 grams. And you have to convert it into grams. So, 4 kg is equal to 4, 1, 2, 3 zeros and the unit plus what you'll do next? You will add the number of given grams to it, 8 grams, which will be 4000. Ab aapko addition karna hai, 8 grams. Okay? So, in this way, you will convert kilograms into grams. Okay? Let's take up the other conversion where you have to convert grams into here kilograms. Sorry, by mistake it is written. So, you have to convert grams into kilograms. In this, what you have to do is you will be separating ones, tens and hundreds digit from the given number of grams. The number thus formed by ones, tens and hundreds digit gives you the grams and the remaining number gives us the kilogram. If you remember the conversion of meters and kilometers, we'll apply the same concept over here. Aapko kya karna hai? Jabhi bhi aapko grams ko kilograms mein change karna hoga. So, aap kya karoge? Given number ki ones, tens aur hundreds digit ko separate kar denge aap. ठीक है, सो ये वंस टेंस और हंड्रेड डिजिट्स जो होंगी वो आपका ग्राम्स रिप्रेजेंट करेंगी और बाकी का जो बचा हुआ नंबर होगा वो केजी हो जाएगा, वो किलोग्राम हो जाएगा. या इन अदर वर्ड्स, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो राइट साइड से आप थ्री नंबर्स सेपरेट कर देंगे. सो जो राइट साइड से काउंट करके आप थ्री नंबर्स सेपरेट करेंगे और ये तीन नंबर्स आपके ग्राम्स होंगे और बाकी के नंबर्स आपका क्या हो, क्या रिप्रेजेंट करेगा? किलोग्राम्स रिप्रेजेंट करेगा. ओके, लेट्स डू द कन्वर्जन बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, हियर यू हैव टू कन्वर्ट 8000 ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स. सो आपको मैंने क्या बताया, राइट साइड से थ्री नंबर्स काउंट करिए, 1, 2, 3. ये आपका ग्राम्स रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, राइट साइड के थ्री नंबर्स, दैट इज वंस, टेंस और हंड्रेड्स. ठीक है, ये तीन नंबर्स आपके ग्राम्स रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी की बची हुई डिजिट जो है, दैट इज 8, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? केजी रिप्रेजेंट करेगी, किलोग्राम्स रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो हियर दिस कन्वर्जन हैज 8 केजी एंड 000 ग्राम्स. नो नीड टू मेंशन दैट, आई एम राइटिंग इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, 000 है तो हम इसको मैंशन नहीं करेंगे, तभी भी काम चलेगा. सो 8000 ग्राम्स हैज 8 kg. समझ में आया बच्चों? दैट वील काउंट थ्री डिजिट्स फ्रॉम द राइट, 1, 2, 3. द डिजिट्स एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. दीज थ्री डिजिट्स विल फॉर्म द ग्राम्स एंड द रिमेनिंग डिजिट विल फॉर्म द नंबर ऑफ kg. ओके, सिमिलरली 2200 grams and you have to convert it into kilograms. So count the three digits from the right, 1, 2, 3. That means these digits will represent grams, the number of grams, and the remaining will represent the number of kilograms. So here you will be writing 2 kg, 200 grams. Okay, let's take up the last example. 9900 grams will be needed to get converted into kilograms. So count the three digits from the right, 1, 2, 3, ones, tens and hundreds. These digits will form grams and the remaining will be kg. So write the answer, 9 kg 009 grams. ठीक है, ये 9 kg, सिंस देर आर नो डिजिट्स एट दी वंस एंड एट दी टेंस एंड दी हंड्रेड्स प्लेस, ओनली द डिजिट इज गिवन एट दी वंस प्लेस. सो इट विल बी 9 kg 9 ग्राम. ठीक है, ये सिर्फ 9 ग्राम ही होगा.